स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूं आपके साथ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के उज्जैन के महितपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती जोर शोर के साथ मनाई गई। महितपुर में आज संविधान रचयिता एवं भारत रत्न से सम्मानित जिन्हें संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, माननीय श्री भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती महितपुर तहसील के अजाक्स संघ द्वारा डॉक्टर अम्बेडकर चौक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी जयंती को जोर शोर के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समर्थकों ने भाग लिया। महितपुर संवाददाता नरेंद्र परमार की रिपोर्ट। महितपुर तहसील के अजाक्स अध्यक्ष भाई बाबूलाल जी परमार के नेतृत्व में हर साल की तरह इस साल भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती का कार्यक्रम रखा गया है और यहाँ पे सभी हमारे कर्मचारी साथी उपस्थित हुए हैं और यह हर साल की तरह इस साल भी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके आगे की कड़ी का एक निवेदन करूँगा मैं सभी साथियों से कि आप सभी आएँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति का अनावरण और उसके अलावा वहाँ पर उनके नाम से भव्य बस स्टैंड का अनावरण किया गया है। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि झाड़ला पहुंचे, कोई भी साधन से पहुंचे, कार से पहुंचे, गाड़ी से पहुंचे, मोटरसाइकिल से पहुंचे, बस से पहुंचे, अपने निजी साधनों से पहुंच करके उस कार्यक्रम की भव्यता को देख करके वहां पे ज्यादा से ज्यादा संख्या बल में इकट्ठे हो करके हमारे विधायक को, हमारे प्रदेश की जनता को, हमारे वर्ग के लोगों को यह एहसास कराएं कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं और हम में कोई फर्क नहीं है और हम बाबा साहब के लिए मरने मिटने को तैयार हैं।